नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। गौरी खान को तुलसी यानी ग्रुप ने साल 2015 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फोटो में उनके साथ ग्रुप के निर्देशक अनिल कुमार, महेश तुलसियानी दिखाई दे रहे हैं। बता दें, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को ईडी ने नोटिस भेजा है। गौरी खान लखनऊ के रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस कंपनी पर निवेशकों और बैंक का करीब 30 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। इस कंपनी के जांच के दायरे में गौरी खान भी आ रही हैं। गौरी खान को तुलसियानी ग्रुप ने 2015 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में तुलसियानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने 2015 में 85 लाख रुपए में खरीदा था। बता दें, किरीट जसवंत शाह का आरोप है कि कंपनी ने उनको ना कब्जा दिया ना ही रकम लौटाई और इसके बाद जसवंत शाह ने तुलसियानी ग्रुप के निर्देशक अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। गौरी खान 2015 में कंपनी के कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ पहुंची हुई थी। वहीं बता दें, ईडी की लखनऊ शाखा ने गौरी खान को भेजे नोटिस में पूछा कि तुलसियानी ग्रुप ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए कितना भुगतान किया है और यह पैसे उनको कैसे दिए गए हैं, इसके लिए क्या क्या अनुबंध हुए हैं और इस अनुबंध का कागज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दिखाने के लिए कहा गया है। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि तुलसियानी ग्रुप ने उनके बैंक खाते में कितना भुगतान किया था। वहीं फरवरी 2022 में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दी गई शिकायत में किरीट जसवंत शाह ने कहा कि मैंने फ्लैट गौरी खान का विज्ञापन देखने के बाद खरीदा और उनकी विश्वसनीयता ब्रांड के साथ जुड़ी हुई थी। वहीं अब बिल्डर फ्लैट पर ना तो कब्जा दे रहा है और ना ही पैसा वापस कर रहा है।